आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में वर्सेस नॉर्मल एक जो किसी पब्लिक बैंक के सेविंग अकाउंट के, मतलब कि कुल मिला के हम ये जानेंगे कि क्या कमी है, क्या खूबियां हैं और हमें किसमें फायदा है। ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते और हमें लगता है कि क्या ही देना है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये चीजें जरूरी नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि अगर भविष्य में आपको इन दोनों में से कुछ चुनना हो तो आप उस समय एक सटीक और सही फैसला ले सके। नमस्कार, मेरा नाम है अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। सबसे पहले हम कर लेते हैं बात फायदों की। तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा है उसका इंटरेस्ट रेट, जो कि आपको ऑर्डिनरी अदर बैंक के सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है। हालांकि यहां पर मार्केट में ऐसे बैंक भी मौजूद हैं जो 6% 7% तक का आपको सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको कुछ मिनिमम अमाउंट, अब यह अमाउंट वेरी कर सकता है बैंक टू बैंक, लेकिन ज्यादातर बैंकों में ये 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का होता है कि आपको उस बैंक अकाउंट में मिनिमम इतना अमाउंट रखना पड़ेगा, उससे ऊपर के अमाउंट में आपको बढ़ा हुआ परसेंटेज मिलेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, उसमें जमा आपके सारे पैसों पर आपको समान ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, तो आप अच्छे से रिसर्च करके किसी एक ढंग के बैंक को चुन सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैसा कम है या फिर सेफ चलना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस का रुख भी कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह आता है कि आजकल जहां पर हर बैंक के सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके वजह में वो आपको चेकबुक, एटीएम वगैरह अदर फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे अकाउंट आते हैं नॉन जेनेरिक अकाउंट में। जेनेरिक अकाउंट में वो होता है जिसमें आपको चेकबुक वगैरह नहीं मिलती है। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप जेनेरिक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाती है। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेफ्टी का। बैंक में आपको सिर्फ 5,00,000 तक की राशि सुरक्षित होती है DICGC के अंतर्गत, लेकिन पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ आपका जितना भी पैसा होगा वो टोटल 100% सरकार की गारंटी के अंदर होता है। उसकी पूरी गारंटी सरकार की होती है। अगला पॉइंट है चेक रिटर्न के चार्जेस को लेकर। पोस्ट ऑफिस में ये चार्ज आज भी 50 रुपए के आसपास है, और वहीं अगर हम बैंक्स की बात करें तो ये चार्जेस 150 रुपए से लेकर 600 रुपए तक वेरी करते हैं बैंक टू बैंक। अगला पॉइंट है कनेक्टिविटी का, मतलब कि पोस्ट ऑफिस आपको रूरल से रूरल एरिया में ऐसी जगह मिल जाएंगे जहां पे आपको शायद इंसान भी मुश्किल से मिले, लेकिन अगर आप थोड़े से भी Tier 2 Tier 3 सिटी की तरफ मूव करेंगे तो आपको कई बार तो बैंक्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है, भले ही वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा हो। गांव देहात की तो आप बात ही नहीं कर सकते। गांव देहात एरिया में सहकारी बैंक्स वगैरह आपको मिल सकते होंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रीच वहां पर बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। अगला पॉइंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। पोस्ट ऑफिस में 10 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में जो भी आपका मिनिमम बैलेंस रहेगा उस पर आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है, वहीं बैंक पर डे के हिसाब से होता है। मतलब कि अगर आपने 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में पोस्ट ऑफिस में 1,000 रुपए रखे और 10 तारीख को आपने जमा करा दिए 50,000 रुपए, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे 51,000 रुपए पर मिलेगा। वहीं आपके खाते में 10 तारीख को 51,000 रुपए थे, लेकिन 30 तारीख से पहले आपने एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए भी अगर 50,000 रुपए निकाले और वापस डाल दिए तो मिनिमम बैलेंस एक क्षण के लिए हो गया था 1,000 रुपए, तो आपको उस महीने सिर्फ 1,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा। इस पॉइंट को आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसी भी तरीके से देख सकते हो। तो आप बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। एक इंसान पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक ही अकाउंट खुला सकता है पूरे भारत में, जबकि बैंक के केसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर पोस्ट ऑफिस में किसी का ज्वाइंट अकाउंट है और एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो जीवित इंसान है अगर उसका अकाउंट ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में है तो वो ज्वाइंट अकाउंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। वो ज्वाइंट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि रूल पोस्ट ऑफिस में एक जने का सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। अगला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप उसको सिंगल में कन्वर्ट नहीं करा सकते, और अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसको ज्वाइंट में कन्वर्ट नहीं करा सकते। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि मिनिमम बैलेंस का जो रिक्वायरमेंट है 500 रुपए, अगर आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस ही रखा है तो आप उसमें से कुछ और पैसा निकाल नहीं सकते। मान लेते कि अगर आपको 100 रुपए या 200 रुपए की जरूरत है तो आप उसमें से वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे, और 500 रुपए से कम की राशि पर पोस्ट ऑफिस ब्याज भी नहीं देता है। और अगर आपने ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो 100 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से आपके कटते चले जाएंगे, और अगर ऐसा करते करते साल दर साल आपके अकाउंट से सारे पैसे कट जाते हैं तो उस केस में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। और अगर आप खुद से पोस्ट ऑफिस का अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो जिस महीने आप वो अकाउंट बंद कराएंगे उस महीने का आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, पिछले महीने तक का आपको ब्याज दिया जाएगा। अगला नेगेटिव पॉइंट यह है कि पोस्ट ऑफिस ने अपने एटीएम कार्ड तो जरूर इशू किए हैं, बट उनके एटीएम ना के बराबर है। ये साफ कहूं तो भाई मुझे तो नहीं दिखे, या अगर कहीं उनके एटीएम है भी तो इस सर्विस को आप ना के बराबर मान के चल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से अगर आपको कुछ पैसा निकालना है तो आपका होम ब्रांच जहां पे होगा वहां से तो आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अदर ब्रांच से पैसा निकाल रहे हैं तो ये लिमिट 25,000 रुपए पर डे है, जबकि बैंक्स में ये फैसिलिटी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब कहने को तो पोस्ट ऑफिस जो है वो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधा भी देता है, पर ये सुविधा इंट्रा ऑपरेबल है, मतलब अपने ही सर्वर में अपने ही सॉफ्टवेयर में काम करेगी। मतलब कि एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के खाते में ही ट्रांसफर हो पाएगा। पोस्ट ऑफिस के अपने दायरे में अपने सॉफ्टवेयर में ही ट्रांजेक्शन कर पाओगे। अगर आपके दो खाते हैं, एक पोस्ट ऑफिस में एक बैंक में, तो आप अपने ही खातों में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। पोस्ट ऑफिस टू बैंक में ये पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ऐसे केस में आप क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में आपको सिर्फ चेक इशू करना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ आपने अगर RD, PPF या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी स्कीम पोस्ट ऑफिस से ले रखी है, तब तो आप इनमें पोस्ट ऑफिस के ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इसमें पैसा जमा कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये सुविधाएं किसी और बैंक में ले रखी है और उसमें आपको पोस्ट ऑफिस से पैसा ट्रांसफर करना है,
तो नहीं हो पाएगा। तो इन पॉइंट्स में से कुछ एडवांटेजेस भी थे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। अब ये आपको देखना है कि आपको इसके एडवांटेजेस ज्यादा लगे या डिसएडवांटेजेस। तो ये सब थी आज की जानकारी बैंक सेविंग अकाउंट वर्सेस पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कुछ पॉइंट्स अगर मुझसे रह गए या आपको पता हो तो आप उनको भी कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मेरे साथ साथ और लोग भी इस चीज को जान पाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर देना। मेरा नाम अमित ढोंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।